वंस अगेन वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग के अंदर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि यार जब गाड़ियां जब तैयार हो जाती हैं, कंप्लीट तैयार हो जाती हैं, तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाती है। लेकिन आज मेरी कोशिश यही रही है, बल्कि आज मेरी मैंने क्या कोशिश करना, गाड़ी की सिचुएशन इस तरह की थी कि मैंने कहा यार क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी एक डिटेल ओवरव्यू जो है गाड़ी का आप लोगों से शेयर करेंगे। इन प्रोसेस जो है गाड़ी के अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए और क्या क्या कुछ होता है। तो गाड़ी की सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि मैंने कहा यार आप लोगों के साथ जरूर शेयर होनी चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कि यार अगर तो आप कोई हमारे पास गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं तो उसके अंदर की क्या कंडीशन है और हम उसे किस स्टेज के साथ गुजारते हैं। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो प्राडो ओल्ड मॉडल 2003 से 2004 मॉडल जो आ रहे हैं, जो ऑनवर्ल्ड 2002 मॉडल से ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं न्यू मॉडल्स के अंदर, उसके ऊपर होने वाली है। तो अगर मैं अभी गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी तकरीबन सारी गाड़ी डिसमेंटल हो चुकी है, और इवन कि इसके दरवाजे जो ओल्ड मॉडल के हम यूज करते हैं उसके ऊपर से भी स्किन उतार चुके हैं। ये अंदर देख रहे हैं आप लोग, सारी रस्ट इसके अंदर आई हुई है। ये डोर हैंडल्स वगैरह जो हम कहते हैं कि यार चेंज होने चाहिए, मोस्टली लोग करते हैं, मोस्टली लोग चेंज नहीं करते, तो ये तकरीबन 18 से 19 साल इस तरह चल चुके हैं। और अब इसके अंदर क्या इसके पीछे बच चुका है, अंदर हैंडल ताले चेंज हो जाने चाहिए तो मजीद बेहतर है। खैर ये कस्टमर्स को हम साथ साथ गाइड करते रहते हैं। अगर मैं ओवरऑल करंट कंडीशन की बात करूं इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी के ऊपर से अभी क्वार्टर फेंडर के ऊपर जो है अभी काम हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखें ना तो इसका क्वार्टर फेंडर अभी काम होना है, सिर्फ यही एक पैनल है जो हम इसके अंदर अपना यूज कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल थ्रू आउट जिन जो भी लोग हैं जो भी चाह रहे हैं कि ओल्ड मॉडल प्राडो जो फेसलिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर गाइड करता जाऊं कि हम आपके गाड़ी के जितने भी अंदर वाले जितने भी पैनल्स हैं, पिलर्स हैं, हम उनको नहीं छेड़ते। हाँ, इवन कि अगर आपने बैक कट डलवाना है तो बैक कट हम यहाँ से कंप्लीट चेंज करते हैं, वो भी पीछे से मैं आपको अभी बता देता हूँ। पड़ली साइड तकरीबन तैयार ही है। ओवरऑल अगर साइड की बात करें तो साइड की देखें पूरी पूरी स्किन इसकी उतार चुके हैं। ये नए मॉडल के दरवाजे हैं, उनके दरवाजों की स्किन जो है उतार उतार के हम इसके ऊपर पेस्ट ऑन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी रस्ट वगैरह है, जितने चैनल्स हैं, वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ये खिंचियां वगैरह हैं जो दरवाजों के अंदर अक्सर दरवाजे जब आप बंद करते हैं तो अभी अजीब सी आवाजें देते हैं, वो सारी आवाजें जो है वो मेरे ख्याल से चेंज खत्म हो जाएंगी जब ये सारी चीजें चेंज होंगी। ओवरऑल फ्रंट की बात करें तो जो लोग कहते हैं कि यार अगर हम प्राडो ओल्ड मॉडल फ्रंट बैक से करवाएं, या फिर हम कोशिश होती है उनकी कि कंप्लीट भी करवाएं तो फ्रंट से कोई चीज डैमेज ना हो, तो इसकी फ्रंट नोज के अंदर कोई भी ऐसी पार्ट नहीं है जो हम डैमेज करके ऑल्टरेशन करके इंस्टॉल करें। ये कंप्लीट वही फ्रंट है, नोज है, जो इसका अपने मॉडल का जेन्युइन ही है। बस इसके अंदर हमने बोल्ट ऑन जो है न्यू मॉडल के कुछ थोड़े से यहाँ पे डेंटिंग करके बोल्ट ऑन इसके बोनट और फेंडर वगैरह इसके इंस्टॉल कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये गाड़ी तकरीबन अभी मिड ऑफ द प्रोसेस है इसका, और ये मॉडल जो है हम करने जा रहे हैं 2021 मॉडल करने जा रहे हैं। और ओवरऑल साइड प्रोफाइल ये भी इसी तरह कंप्लीट, सारे दरवाजे इसकी स्किन उतार ली गई है, ओल्ड सारा सामान उतार ली है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इसके चैनल वगैरह वो भी सारी खोलनी है। ये इसके कुछ फेंडर वगैरह हैं, और बैक प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा काम ज्यादा होता है क्योंकि न्यू प्रोफाइल जो है वो तो हम ये नए मॉडल के दरवाजे हैं। नए मॉडल के दरवाजे हैं जो तुमने अभी उतारे हैं? जी भाई, ये नए मॉडल के दरवाजे हैं, जेन्युइन दरवाजे हैं। जेन्युइन दरवाजे हैं जी। ये ओवरऑल जेन्युइन दरवाजे हैं। अभी इसके ऊपर जस्ट हमने जो है ना इसका आगे आके दिखाएं जरा, जस्ट इसके साइडों से जिसको जितने भी इसके फ्रेम के ऊपर से सारा पूरा दरवाजा उतारा, ये रख के दिखाएं जरा, क्या बात है। अच्छा, ये भी जब हम लगते हैं तो इसके अंदर दरवाजों के अंदर तो कोई अल्ट्रेशन नहीं होती मेरे ख्याल से, ऐसे ही है ना? इसको रख के जरा यहाँ पे छोड़े, ये देखिए इसमें तकरीबन जो है इसके जो कर्व है, जो जेन्युइन मॉडल की अपनी कर्व है, इसके अंदर सिर्फ वही आ जाती है, हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है। और साथ ही साथ इसका जो क्वार्टर फेंडर है वो ऑलरेडी डेंटिंग के थ्रू हम तैयार कर रहे हैं। इन केस अगर कस्टमर ये कहते हैं कि यार हमने डेंटिंग के साथ नहीं करनी, हमने पूरा क्वार्टर फेंडर इंस्टॉल करना है, तो फिर यहाँ से हम पूरी पिलर काट के जो है वो पीछे से पूरा पैनल इंस्टॉल कर लेते हैं। ये अब अगर मैं दरवाजों की बात करूँ ना, तो ये पैनल भी जो है ये बेसिकली कलर्स के अंदर डिफरेंस है, लेकिन दरवाजे जो है वो टोटली ओवरऑल जेन्युइन ही है। ये भी हम जेन्युइन इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी जो है जेन्युइन ट्योटा के जो काबली आप जिसे कहते हैं वही इंस्टॉल हो रहे हैं। लेकिन ये है कि पूरी स्किन जब काट के हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं ना, तो गाड़ी के ऊपर पुटीन लेस काम होता है, जैसे कि मोस्टली क्रूजर के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा पुटीन लग जाती है, लेकिन वो भी हम सैंड कर देते हैं क्योंकि, लेकिन वो अल्ट्रेशन दरवाजों के ऊपर वो कहते हैं ना बत्ती लग के ज्यादा काम होता है, लेकिन इसके ऊपर इतना कोई ऐसा खास काम नहीं होता। ये जनरली फेंडर लगाते हैं, हाँ मोस्टली लोग जो है वो क्या करते हैं कि फेंडर यहाँ से दरमियान से काट लेते हैं, यहाँ से काट के जो है वो पीस लगाते हैं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी इस टाइम डेंटर काम कर रहे हैं ना, वो सारे पैनल जो है वो जनरली इंस्टॉल करें। अब यहाँ से जब दरवाजे की पीस लगेंगे ना, तो यहाँ से पीस जो है वो एक्सटेंड करके कम्प्लीट जनरल, इनकेस अगर आपकी गाड़ी कहीं से डैमेज होती भी है एक्सीडेंटल केस के अंदर, तो आप लोग अपनी सिटी के अंदर इसका जनरल दरवाजा लेके जो है पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। पीछे से मुझे बताएं इसका पीछे से अभी कितना काम हो चुका है,
और कितना मेरे ख्याल से रहता है। अच्छा पीछे से जो है ना एक चीज मैं आपको मजीद बताता जाऊं कि क्वार्टर फेंडर हम इंस्टॉल तो कर लेते हैं, अल्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन ये वो मेन पार्ट है जो इसमें सबसे ज्यादा हमारा टाइम ले जाती है। अब इसकी बैकलाइट्स वगैरह जो है एडजस्ट हुई हैं, क्योंकि बैकलाइट की कर्व के साथ ही जो है हमने ये कर्व तैयार करनी होती है। तो अभी मजीद कितने दिन लगेंगे इसके ऊपर, और अभी कितने दिन लगा चुके हो आप? अली भाई अभी इस पे ये लाइट सेट की है, फिर बम्पर सेटिंग करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम ये डिग्गी की सेटिंग करेंगे। डिग्गी इसकी मेरे ख्याल से वो वाली थी, टायर वाली डिग्गी थी, डिग्गी सारी चेंज की है। अब ये डिग्गी जनरल मंगाई है मैंने, अब इसको उसकी शेप में लेके आएंगे। तो काबली डिग्गी भी इसके अंदर इंस्टॉल की हुई है, क्योंकि ये जब मॉडल आया था इसके पीछे टायर लगा हुआ था। और साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊँ नदीन, तुम भी सुन लो, इसकी पूरा रूफ भी जो है इसका चेंज होना है। सनरूफ मंगवाया है, सनरूफ वाली कंप्लीट छत मंगवाई है, वो इंस्टॉल होना है। इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर भी कंप्लीट चेंज होना है इसके अंदर, कंप्लीट इंटीरियर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी है भी मैनुअल, मैनुअल से जो है वो ऑटो में भी ट्रांसमिशन होना है, यानी कि इस गाड़ी के ऊपर बहुत काम होने वाला है। पूरा प्रोजेक्ट जो है ये लेके चल रहा है, और लाहौर की ही गाड़ी है ये। तो अभी जो है इसका कम्प्लीट इसकी डाई शेप अभी लेके आना है, मजीद इसके ऊपर अभी बहुत काम होना है। बम्पर इसका रख के दिखाओ, बम्पर इसका यहाँ पे एडजस्ट होना है। लाइट भी दिखा दो, लाइट भी रख देते, यहाँ पे ये लाइट एडजस्ट होनी है, और ये यहाँ पे ये बम्पर जो है इसका आके एडजस्ट होगा, तो जाके इसकी बैक प्रोफाइल जो है आपको, जो आप वीडियोस के अंदर देख रहे होते हैं ना, जो बहुत फाइन लुक आ रही होती है वो इस तरह नहीं आती, वो बहुत ही मेहनत के बाद आती है। और बिलीव करें जिस तरह की इस टाइम पाकिस्तान के अंदर गर्मी है ना, ये सारा दिन जो है ना लगा के खड़े होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक आउटपुट देते हैं। अगर आज मार्केट के अंदर अच्छा नाम है तो बिलीव करें इसी लेबर की वजह से है। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से अभी इसका बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। ये डिफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं कि यार ओल्ड मॉडल का बम्पर जो है, उतारें जरा इसे, ओल्ड मॉडल का बम्पर कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे बिल्कुल इधर से देखो, और न्यू मॉडल का बम्पर जो है हम यहाँ पे एडजस्ट करें, यानी कि तकरीबन इतना जो है वो डिफरेंस है ओल्ड मॉडल बम्पर और न्यू मॉडल बम्पर के एडजस्टमेंट के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से लाइट की एडजस्टमेंट होती है, तो जो लोग कहते हैं पेट्रोल कैंप भी जो है थोड़ा सा नीचे करते हैं, उसकी रीजन ये है कि क्वार्टर फेंडर जो है वो बाहर निकालना होता है, काफी सारी चीजें जो है इसमें एडजस्ट होनी चाहिए। जो है फिर वो नए मॉडल के आएंगे, वो तो तकरीबन सारी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नए मॉडल के डालते रहेंगे। इंटीरियर जो है, इंटीरियर में आपको इसका दिखा दूं, इंटीरियर ये इस टाइम टोटली ओल्ड मॉडल का इंटीरियर इसके अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है, और ये मैनुअल गियर है। ये गाड़ी आप याद रख लीजिएगा, वीडियो भूलिएगा नहीं, आपको मैं यही गाड़ी होगी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये तकरीबन जो है ऑटो गियर के साथ कंप्लीट न्यू डैशबोर्ड जो है आप लोगों से शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की आप लोगों को ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव वीडियो, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर तो इस तरह की वीडियोस आप लाइक करते हैं कि हम आपको इन प्रोसेस जो है मेकिंग जो है दिखा सकें। सो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है, और इस तरह की मजीद जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये एक और प्रोजेक्ट है जो कि मेरे ख्याल से अभी तकरीबन फाइनल हो रहा है, और ईद के बाद जो है ये तकरीबन पहला प्रोजेक्ट है जो कि अभी हमने डिलीवर करना है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस हमारी पसंद आती हैं, तो ही हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जितने भी इस टाइम जो फ्लो चल रहे हैं ना, वो हम इस वीक के अंदर भी हमारा टारगेट है कि दो से तीन गाड़ियाँ जो है वो निकाल सकें। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्राडो को आप भूलिएगा नहीं, इस प्राडो को याद रखिएगा। ये कम्प्लीट प्राडो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है, आप लोगों का पूरा प्रोजेक्ट इसका शेयर करेंगे। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।